बालोद जिले के ग्राम धोबनपुरी में कथावाचक पंडित अशोक कृष्ण महाराज के सानिध्य में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में आसपास की महिलाएं और पुरुष कथा सुनने पहुंच रहे हैं। बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिससे भारत ही नहीं विदेशों में भी उत्सव जैसा माहौल है, जिसको लेकर जगह जगह धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कथावाचक पंडित अशोक कृष्ण महाराज ने कथा सुनाते हुए शिव भक्तों से कहा कि शिव के महात्म्य से ओतप्रोत यह पुराण शिव महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है और भगवान शिव पापों का नाश करने वाले देव हैं और बड़े ही सरल स्वभाव के हैं। भगवान शिव जल्दी ही प्रसन्न होकर भक्तों को इच्छा पूर्ति का फल देते हैं। आयोजन हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि मानव जीवन धर्म की नगरी और धर्म से जोड़ने का हमारा एक प्रयास है। हम लोगों को धर्म से जोड़कर जन जागरण कर हम धर्म के प्रति उन लोगों की जो आस्था है उसको बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए मेरे सारे युवा मित्र मंडली मेरे सहयोगी हैं। उन लोगों के सहयोग से और मेरी श्रीमती संध्या साहू जी के सहयोग से यह कार्यक्रम सम्पन्न हुआ है। निश्चित ही इस गाँव और इस गाँव के आसपास में यह एक बढ़िया संदेश होगा कि धर्म के प्रति लोगों में जागरण होगा। सनातन है तभी हिंदू है, सीधा से सीधा। और सनातन धर्म आदि से जब से कहा जाए प्रकृति शुरू हुआ है और जब तक प्रकृति रहेगा सनातन धर्म ही है और जितने भी धर्म है वो सनातन धर्म से ही निकला है। हमारे भगवान कृष्ण गीता में भी कह दिए हैं कि सनातन धर्म मैं ही हूँ। जब सूर्य नहीं था तब भी मैं था और जब सूर्य नहीं रहेगा तब भी मैं ही रहूँगा और मैं ही सनातन हूँ।